भी चल रहा है फोटोशूट, हम लोग कर रहे हैं और मेहनत हुई है आज अच्छी खासी. सो या दिस इज माई लुक एंड आपके ही हिसाब से इट्स लुकिंग वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ. सो मोहित कैन यू प्लीज कम एंड सो ही इज द मेन फेस टुडे. नथिंग लाइक दैट बट शी इज लुकिंग सो प्रिटी. बहुत ही फेस्टिव मोड पे हम जा रहे हैं, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने ये लुक प्लान किया है. एंड ऑरेंज कलर बहुत खिल के निकल के आ रहा है इनके ऊपर. बहुत ही प्यारा मेकअप किया है. बहुत हैवी ज्वेलरी को हमने नहीं दी है, जस्ट इयररिंग हमने रखे हैं टू कंप्लीट द लुक. एंड शी लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ. कलर जो है कलर बहुत ठीक आ रहा है. यस, कलर के पीछे की क्या थोड़ा सा. सी मैं हमेशा पहले भी पास में बोला कि वेन एवर आई स्टाइल द आर्टिस्ट मैं उनके कॉम्प्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्टाइल करता हूँ. एंड शी इज़ क्वाइट फेयर, तो शी इज वैसे ही बहुत सुंदर हैं, उनके बाद कॉम्प्लेक्शन भी बहुत फेयर है, तो इस वजह से कलर और भी निखर के आ रहे हैं उनके ऊपर. थैंक यू सो मच. अपार्ट फ्रॉम दिस क्या प्रोजेक्ट नए आने वाले हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज टेल अस. जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना शूट किया है मेरी वेब सीरीज का, फाइनली आई गॉट द वेब सीरीज एंड ओटीटी का मेरा डेब्यू हो रहा है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड वो चीज़ मैंने अपने फैंस के साथ शेयर की है. इंशाल्लाह आई थिंक फरवरी तक रिलीज होना चाहिए होपफुली. सो यस. ये बताइए साथी, बिग बॉस 17 बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, तो पलक को कितना अच्छा लग रहा है? मुझे ऑन एंड ऑफ अच्छा लग रहा है. बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसमें बोल देती हूँ. जैसे लास्ट अभिषेक का हुआ था एंड मैंने उस पर बोला भी था, बिकॉज आई वॉज वेरी 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 मच फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड देख के कि क्यों, वाई पीपल आर बिहेविंग लाइक दैट इन द शो. मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली शायद बहुत ज़्यादा देख के या सोच समझ के और बातचीत करके लोग अंदर गए हैं कि हमें ऐसे प्रिटेंड करना है, ऐसे रहना है, तो वो एक चीज़ मुझे लग रही है अभी तक. बट आई थिंक अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे लोग एक चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं जो अंदर वो चीज़ें चल रही है, किसिंग, ब्लैंकेट के अंदर चाय चीज़ें, ईशा समर, ये सारी चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं. है तो गलत ही, उसमें मैं भी लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मैं ना अब ये बोलती हूँ अपने सीजन के बाद कि बच्चा कोई भी नहीं है. अगर आप ये बोलो कि बच्चा है और बच्चा समझ के छोड़ दो, सॉरी, क्योंकि मुझे ही पिछले सीजन में ये याद दिलाया गया था हम बच्चे नहीं हैं. तो आई थिंक बिग बॉस में जो भी जाता है बच्चा नहीं होता है, बहुत समझदार लोग हैं अंदर, बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो उनको अच्छे और बुरे का पता है. क्योंकि जब कुछ चीज़ अपने लिए बोलनी होती है तो बराबर लोग बोलते हैं. तो ये चीज़ मैं भी लोगों के साथ हूँ इस चीज़ में कि गलत है और थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए. आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके यू नो फ्रेंड सर्कल और बहुत लोग देखते हैं, फैमिली शो है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. मुझे लगता है अभी और पन्ने खुलने बाकी हैं. नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, अभी और भी चीज़ें खुलनी बाकी. बहुत इनिशियल है, लोग बहुत सोच समझ के आए हैं एंड आई एम श्योर वो दोनों बहुत सोच समझ के अंदर गए हैं. बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं दोनों, अंकिता एंड विक्की, तो उन लोगों को पता है वो क्या कर रहे हैं. और मैं कुछ फ़िलहाल नहीं कह सकती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम अभी जब जाएगा तो और ढंग से अंकिता और विक्की का जो भी प्ले है वो समझ में आएगा कि वो किस तरह से गेम प्ले कर रहे हैं. अभिषेक एलविस शेख नया शो टेम्पटेशन आइडल, क्या कुछ देख पा रही है जैद? एज यूजुअल आई थिंक जैद के लिए परफेक्ट शो उसको मिल गया. बिग बॉस में बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया था, यहाँ पे वो बहुत खुश है, यहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं उसकी. तो मैंने देखा नहीं ऑनेस्टली, मैंने जितना देखा वो क्लिप्स एंड बिट्स में देखा जो जियो डालते हैं अपने पेज पे, मैंने बस वही देखा है. बट ठीक है, आई थिंक ही इज इंजॉइंग इट और सही लग रहा है. जिनको अच्छा लग रहा है उनको अच्छा लग रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ यार उस पर. लेकिन अभिषेक और एलविश इस बार एज अ कंटेस्टेंट नहीं आए हैं. अच्छी बात है, एंटरटेन कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे जाके, आई थिंक टास्क वगैरह दे रहे हैं, तो अच्छा है, उन लोगों को देख के अच्छा लग रहा है. कुछ अलग एक साइड देखने को मिल रहा है लोगों को, क्योंकि बिग बॉस में तो लड़ाई झगड़ा ये वो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, बट दिस इज समथिंग एल्स, फन है, तो आई थिंक वो चीज़ अच्छी है और लोगों को देखने में मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच.
थैंक यू। फैंस के लिए यही मैसेज कि आप लोग अपना ध्यान रखिए। आई होप आप सबका फेस्टिवल बहुत अच्छा गया, एंड आने वाले दिनों के लिए हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, लव यू ऑल। थैंक यू।